नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में आए तेजी के कारणों पर। क्या ये तेजी अस्थाई है या ये आगे भी बनी रहेगी या ये तेजी बनावटी थी, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कारोबार में कोविड-19 की वजह से आई लिक्विडिटी की दिक्कतों पर चर्चा कर लें, जिससे उसके दैनिक कारोबार बाधित होने शुरू हो गए थे। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने लगभग 30 बिलियन रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से ओपन मार्केट से उठाने जा रही है, जिसमें कंपनी अपने निवेशकों को 7 साल की अवधि के लिए एक बॉन्ड जारी करेगी, जिस पर 7.3 से 7.6% तक की ब्याज ऑफर किया जाएगा। यह ब्याज की दरें अधिकतर निवेशकों को लुभाने में कारगर रहेंगी, क्योंकि इतनी अधिक ब्याज की दरें फिक्स डिपॉजिट पर भी कोई वित्तीय संस्थान नहीं देती। कंपनी का यह कदम भी इसलिए है कि उसकी बोरोइंग किसी बैंक से लिए गए लोन की अपेक्षा कम से कम 70 बेसिस पॉइंट कम पड़े। मतलब अपने बॉन्ड क्रेताओं को इतनी अधिक आकर्षक ब्याज देने के बाद भी लोन बैंकों की अपेक्षा सस्ता पड़े। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसकी वित्तीय संकट से निपटने का बेहतरीन तरीका। अब इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें, तो रिटर्न की स्थिति कहती है कि आज इसने अपने निवेशकों को लगभग 7% का मुनाफा दिया है, और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में लगभग 4.43% का मुनाफा दिया है, और एक महीने की बात करें तो 2.81% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, और अगर एक साल की बात करें तो इसने अपने निवेशकों के पैसे लगभग आधे कर दिए हैं, -48.11% का निगेटिव रिटर्न। निवेश संबंधी निर्णय करने से पहले अगर इसके पीयर कंपनियों की तुलना कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारी दृष्टिकोण और व्यापक हो सके। तो यहां देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पीई रेशियो 4.39 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की पीई रेशियो 22.13 है, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की पीई रेशियो 8.64 है, और वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की पीई रेशियो 4.43 है। तो इन सब में अगर तुलना की जाए तो सबसे सस्ती अगर पीई है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। अब इसका दूसरा मुख्य बिंदु, जिससे हमारे मुनाफे की बात जुड़ी हुई है, वह देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड को। तो डिविडेंड यील्ड देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 11.11% की डिविडेंड यील्ड देती है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज मात्र 0.43% की डिविडेंड यील्ड देती है, और जो भारत पेट्रोलियम है वो अपने निवेशकों को 5.54% की रेशियो से डिविडेंड यील्ड देता है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 8.17% की डिविडेंड यील्ड देता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि कंपनी सस्ती भी है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड भी देती है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब फ्रेंड्स, अगर इसमें आज की तारीख में हमने निवेश किया तो उस निवेश की आने वाले फ्यूचर में हमारी मनी क्या बनेगी, उसको अगर देख लें तो यहां देखेंगे कि आज की अगर प्राइस की बेसलाइन मान ली जाए 83.20 को, तो यहां देखेंगे कि एक निगेटिव सीन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे पैसे को 21.88% का निगेटिव ग्रोथ कर दे, या यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सारी चीजें सामान्य रही, कोविड-19 से देश ठीक से निकल लिया बाहर, तो 140.38% लगभग 140% का रिटर्न भी हमें मिल सकता है। और दोनों परिस्थितियों के अगर मीडियन की बात करें तो फोरकास्टर की एक रिसर्च टीम ये कहती है कि इसके अंदर कम से कम 61.06% की पोटेंशियल तो है ही है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको प्राइस और रुपीस में कैलकुलेट करें तो यहां देखेंगे कि हमारा जो 83.20 रुपए का निवेश है, वह एक साल के दरमियान हो सकता है कि 65 रुपए हो जाए, या हो सकता है कि 200 रुपए हो जाए, या यह भी हो सकता है कि 134 रुपया ही हो। तो यहां पर हमने ये देखा कि यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बेहतरीन है, कि 83 रुपए से 65 रुपए का होना, या 83 रुपए से सीधे 134 रुपए का होना, या 83 रुपए से 200 रुपए का होना। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी निवेशक को एक बार अवश्य सोचना चाहिए। तो इसकी मार्केट कैप 78,420 करोड़ है, और इसकी बुक वैल्यू जो है वो 119.88 है। तो आप समझ सकते हैं कि 119.88 रुपीज जिसकी बुक वैल्यू है, वो मात्र आपको 83 रुपए में मिल रहा है, बहुत वैल्यू बाइंग के स्तर पर मिल रहा है। अब 52 वीक की लो और हाई को देखें तो लो है 71 रुपए 15 पैसे का, और हाई है 170 रुपए
75 पैसे का। तो फ्रेंड्स अब इसके कारोबार की स्थिति को देख लें, तो एनएससी पे एक बार चलते हैं तो यहाँ कारोबार की स्थिति देखेंगे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेडिंग चल रही है। 3,45,72,984 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हो रही है और उसमें से 1,58,06,315 शेयर्स की डिलीवरी हो रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है, लगभग 46% की। अब इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसकी प्राइस बिहेवियर क्या रहेगी, तो उस चीज को समझने के लिए एक बार इसकी ऑप्शन चेन को देख लेना आवश्यक है। हम 25 जून 2020 को एक्सपायरी डेट वाली ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे और इसमें जो एट द मनी होगा वो आज की क्लोजिंग प्राइस 83.50 रुपए के आसपास होगा। तो 83 रुपए के स्तरों पर अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी कॉल राइटिंग नहीं है और न तो कोई कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब अगर 84 के स्तर पर देखें तो 84 के स्तर पर भी इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है और यहाँ पे न तो कोई फ्रेश कॉल राइटिंग दिख रही और न तो कोई कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा। अब अगर 85 के स्तरों पर देखते हैं तो 85 के स्तर पर फ्रेश मैसिव कॉल राइटिंग हुई है 4,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 8,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं। तो अपने आप में 85 रुपए का जो स्तर होगा इसके लिए एक चैलेंजिंग स्तर होगा इसको पार करना। अब इसके ऊपरी स्तरों पर अगर चल के देखें तो 86 रुपए पर फिर एक बार कोई विशेष रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा और 87 रुपए पर भी कोई विशेष रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा। लेकिन 87.50 रुपए के स्तरों पर अगर चलते हैं तो यहां देखते हैं कि फ्रेश कॉल राइटिंग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है। अब अगर 83 रुपए से निचले स्तरों की ओर देख लें तो यहां देखेंगे कि 82.50 रुपए पर भी फ्रेश कॉल राइटिंग 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है, जो अपने आप में एक चैलेंज है। उसके निचले स्तरों पर अगर देखें तो 82 रुपए के स्तरों पर कोई विशेष चैलेंज नहीं है, लेकिन 80 रुपए के स्तरों पर अगर चलते हैं तो 80 रुपए पर 84,000 कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। इसके बावजूद कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट अभी भी 9,40,000 का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं 80 रुपया अपने आप में एक चैलेंज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अब इन्हीं स्तरों पर पुट राइडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया जाए तो इस 83 रुपए के स्तर को अगर देखें तो 4,000 फ्रेश पुट राइटिंग है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी 4,000 ही है, जो अपने आप में कोई विशेष सपोर्ट नहीं शो कर रहा है। अब इसके निचले स्तरों पर अगर चले 82.50 रुपए के स्तरों पर तो 12,000 फ्रेश पुट राइटिंग है और 16,000 कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। निचली स्तरों पर अगर चलते हैं तो 80 रुपए के स्तर पर अगर देखें तो यहां देखेंगे कि फ्रेश पुट राइटिंग 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं। तो यह लेवल एक मजबूत सपोर्ट के लेवल के रूप में दिख रहा है। अब इससे भी निचले स्तरों पर अगर चलें तो 75 रुपीज के स्तरों पर जब जाते हैं तो यहां देखेंगे कि फ्रेश पुट राइटिंग 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट लगभग 8,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं। तो यहां पे एक मैसिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है जो यहां इसकी प्राइस को स्ट्रांग सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी प्राइस मूवमेंट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसकी प्राइस मूवमेंट को हमें मान करके चलें कि अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में ये अगर 84 रुपए को पार करेगा तो इसके लिए 85 रुपए का एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस आएगा और अगर ये 83 रुपए से नीचे की ओर आया तो हो सकता है कि 80 रुपया और 80 रुपया टूटे तो ये 75 रुपए तक जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें अगले ट्रेडिंग सेशन पे ध्यान रखना है और इन्हीं चीजों का विश्लेषण हम प्राइस चार्ट पर देखेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि 100 डेज की जो ईएमए निकल के आ रही है 83.35 रुपए की, तो ये उसे क्रॉस कर चुका है। सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं हुआ है लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग इसके ऊपर ही हुआ है। और इसके आरएसआई की सिचुएशन को देखें तो यहां देखेंगे कि आरएसआई की वैल्यू लगभग 54 निकल के आ रही है और अगर एमएससीडी के पोजीशन को देखें तो एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और प्राइस के मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे प्राइस मूवमेंट की जो कैंडल है वो भी एक बार बुलिश संकेत दे रही है, आरएसआई भी बुलिश संकेत दे रहा है और एमएससीडी भी बुलिश संकेत दे रहा है और ऑप्शन चेन में जो हम लोगों ने देखा कि 83 रुपए से ऊपर की ओर बढ़ता है तो 85 के पहले इसे कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो 85 रुपए तक इसकी प्राइस जाती हुई दिख रही है। तो फ्रेंड्स
सबसे पहली हमारी रणनीति जो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने 70 रुपये और उसके स्तरों पर कहीं भी बाई किया है तो अपने मुनाफा को प्रोटेक्ट करने का, तो सबसे पहला कदम हमारा होगा कि 80 या 81 रुपये पे अपनी एक आप स्टॉप लॉस लगा लें और इंतजार करें प्राइस के ऊपर बढ़ने का। 85 रुपये पर ही इसे रेसिस्टेंस है, अगर 85 रुपये को ये सिग्निफिकेंटली क्रॉस कर लेता है तो फिर आगे की स्थिति को देखेंगे, लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो जाता है 83 रुपये से नीचे की ओर अगले ट्रेडिंग सेशन में तो निश्चित रूप से 80 रुपये की ओर आएगा, और 80 रुपये से अगर इसमें ब्रेक लगता है तो 75 रुपये पे जाके इसे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, निवेश करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी कर लें, तभी कोई फाइनल निवेश संबंधी निर्णय लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।